हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनबाग एकेडमी में आपकी सबकी दोस्त करुणा जोशी। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले, जो हम हमारे 10th लेसन में देख रहे हैं, रिएक्शंस का टॉपिक। तो उसमें जो आज रिएक्शन देखने वाले हम, वो है आपकी वर्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड्स रिएक्शन। ओके, तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है वो देखते हैं हम। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, कोई उसमें कोई डिफिकल्ट ऐसा कोई नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक से करोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, तो कोई इश्यू नहीं होगा। सिंपल सी रिएक्शन है, आर एक्स प्लस अल्किल हलाइड आ गया आपका यहाँ पे। अल्किल हलाइड, यह आ गया आपका अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड ट्वाइस एने के साथ रिएक्ट हो रहा है, यह आ गया आपका सोडियम मेटल। अल्किल हलाइड रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, अगेन रिएक्ट विथ अल्किल हलाइड। वो फिर अल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। हमने उल्टा इसलिए लिखा ताकि आपको ये जो बाय प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आपको इजियर जाएगा, इसलिए हमने उल्टा लिखा। अगर वो भी आप आर एक्स लिख दोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने उसको डायरेक्टली मेंशन कर दिया, उल्टा मेंशन किया। यह आ गया आपका अल्किल हलाइड। देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं अभी। सिंपल सी रिएक्शन है, हमने उसको एकदम इजी पैटर्न में लिख के रखा है ताकि आपको जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, बाय प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको इजियर जाएगा। बाय प्रोडक्ट निकाल दिया तो आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। लाइक अभी ये आ गया आपका हलाइड ग्रुप, ये आ गया ट्वाइस सोडियम मॉलिक्यूल, और ये आ गया हमारा अगेन हलाइड ग्रुप। तो क्या करेंगे हम, हलाइड और ये हलाइड को ट्वाइस एन ए के साथ निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एन ए और ट्वाइस एक्स। मतलब क्या लिख दोगे आप बाय प्रोडक्ट, ट्वाइस एन ए एक्स, या आ गया आपका बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट निकल गया एन ए एक्स। देन रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचा है वो देखते हैं। रिमेनिंग प्रोडक्ट में बचेगा आपका आर और आर, सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल बचे हैं, आर और आर। तो फिर कैसे लिखोगे उसको, आर और आर। ओके, तो R और R हमने कनेक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम R और R को। यह आ गया आपका यहाँ पे अल्केन मॉलिक्यूल। क्या मिला आपको यहाँ पे, अल्केन मॉलिक्यूल, और बाय प्रोडक्ट आपका ट्वाइस NaX निकल गया। ओके, सोडियम हलाइड निकल गया, दो आपके सोडियम मॉलिक्यूल थे और दो आपके X मतलब हलाइड मॉलिक्यूल थे, तो वो हमने बाय प्रोडक्ट निकाल दिया। फिर रिमेनिंग बचा था हमारा R, R मतलब अल्किल ग्रुप बचे थे, उन दोनों को हमने अटैच कर दिया, तो आपका मॉलिक्यूल बन गया अल्केन का, अल्केन फॉर्म हो गया। ओके, तो ये था हमारा वर्ड्स रिएक्शन। में वर्ड्स रिएक्शन में हमने देखा, जब आपने अल्किल हलाइड और अल्किल हलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेके उसको सोडियम मेटल के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्केन। तो इसको थ्योरी कैसे लिखोगे वो देखते हैं। वेन टू मॉलिक्यूल्स कैसे हुए, ये एक और एक दो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या प्रेजेंस होना चाहिए आपका, ड्राई इथर। एक्टिव मेटल्स देख रहे हैं हम, तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ड्राई इथर। तो थ्योरी कैसे आएगी, अल्किल हलाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको अल्केन मिल रहा है। तो इसी के हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक C2H5Br प्लस ट्वाइस Na प्लस BrC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। अभी कैसे आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो देखते हैं हम। Br और ट्वाइस Na और Br दोनों क्या हो जा रहे, बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं दोनों, ये Br और ये ट्वाइस Na, इट्स गॉन, निकल रहे हैं वो, ट्वाइस NaBr निकल गया आपका, दो Br के मॉलिक्यूल, दो सोडियम के मॉलिक्यूल निकल गए आपके, सोडियम ब्रोमाइड आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको जोड़ दो, क्या क्या बचा है, यहाँ पे आपके C2H5 का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे C2H5 का एक मॉलिक्यूल है, तो क्या बचता है, यहाँ पे C2H5 और C2H5। ओके, तो क्या बन गया है हमारा, क्या आएगा इस मॉलिक्यूल का नाम, टोटल 4 कार्बन से आपके, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटेन।
इसका फॉर्मूला आपको मिल गया ब्यूटेन। आपको अल्केन फैमिली मिल रही है, अल्केन फैमिली प्रोडक्ट वर्ड्स रिएक्शन में आपको अल्केन फैमिली मिल रही है, ध्यान में रखना अल्केन, इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिला ब्यूटेन, क्योंकि फोर कार्बन से तो उसका नाम आएगा ब्यूटेन। तो ये थी हमारी वर्ड्स रिएक्शन, लेकिन किस पैटर्न में, कि जहाँ पे आपके ये जो दो है ये कैसे है, सिमिलर है, ये जो दो है वो कैसे है, सिमिलर है, तो इसको रिएक्शन करना इजियर जा रहा है। सिमिलर है दोनों तो इजियर जाएगा, क्योंकि ये और ये कनेक्ट कर दिया तो बन गया आपका ब्यूटेन। वहाँ पे भी हम CH3 लगाएंगे, लाइक CH3 का अगर हमने रिएक्शन देखी, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, CH3Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br प्लस CH3, BrCH3 इट गिव्स ड्राई ईथर। फिर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, वही पैटर्न में NaBr निकल जाएगा, फिर आपका जो CH3 होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, CH3 और CH3 कनेक्ट हो जाएगा, फिर बाय प्रोडक्ट निकल गया आपका NaBr। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, दो कार्बन से मतलब इथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर केस है, यहाँ पे आपके दो सिमिलर ग्रुप्स थे C2H5 CTH5, यहाँ पे भी आपके दो सिमिलर ग्रुप थे CH3 और CH3, तो हमको रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले, अल्केन फैमिली में प्रोडक्ट मिले और इजियर हमारी रिएक्शन हो गई। लेकिन ये सिमिलर थे, अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो, यहाँ पे C2H5 है यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया तो, यहाँ पे CH3 है यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया तो क्या हुआ, क्या होगा, फिर मिक्सर प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। अभी यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे C2H5 लगा दिया हमने, इस जगह CH3 अगर लगा दिया, CH3Br2NaBr और C2H5, तब रिएक्शन कैसी होगी वो देखते हैं हम, कि तब रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे। इसके पहले एक और है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं, वो पैटर्न हम देख लेते हैं, ताकि आप अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको वहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, जो हमने यहाँ पे सिंपल सा लिख लिया RX2NA और XR, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, TwiceRX, आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्या दिया है, TwiceRX प्लस TwiceNA, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही है, और ये TwiceRX मतलब जो हमने एक यहाँ पे लिखा और एक यहाँ पे लिखा, तो इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल मेंशन कर दिए, TwiceRX और TwiceNA। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाती है पता है, जब हम ये दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करने वाले होते, दो आर्स को कनेक्ट करने वाले होते, तब हमको यहाँ से इस पैटर्न से समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है और कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे आर के पास क्या आएगा, एक्स कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये जो स्टेप है आपकी RX प्लस TwiceNA प्लस XR, इससे इसके थ्रू इजियर अंडरस्टैंड होता है कि एक एक्स TwiceNA और ये वाला एक्स एक साथ बाय प्रोडक्ट में निकल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, R और R, तो ये इजियर जाता है। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है TwiceR में, क्योंकि ये हमको समझ में नहीं आता है कि राइट डाउन कैसे करना है, इसलिए ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा टफ जाएगा आपको। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप वहाँ से भी करोगे तो TwiceRX का मतलब ध्यान में रखना, एक RX यहाँ का और एक RX यहाँ का, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है TwiceRX। देन चलते, अगर आपके कंपाउंड में मिक्सचर प्रोडक्ट्स आए तो रिएक्शन कैसी होगी वो देखते हैं। अगर मिक्सचर होंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, CH3Br प्लस TwiceNA प्लस Br C2H5 इन प्रेजेंस ड्राई ईथर। अभी रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे वो देखो, यहाँ का जो आपका प्रोडक्ट है कंपाउंड है CH3 और यहाँ का जो कंपाउंड है C2H5, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड से, वहाँ पे हमने पहले जो स्टेप देखी वर्ड्स रिएक्शन में, पहली रिएक्शन देखी, तो उसमें क्या था, दोनों के दोनों ग्रुप सिमिलर थे। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका C2H5 है, यहाँ पे हमने लिया है मिथिल ब्रोमाइड, ये है आपका मिथिल ब्रोमाइड, ये है सोडियम मेटल। रिएक्शन निकालते वक्त नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना,
ये आ गया आपका इथिल ब्रोमाइड। ओके, पहले मिथिल ब्रोमाइड है, देन आ गया इथिल ब्रोमाइड। ओके, दोनों अलग अलग है, तो रिएक्शन में क्या होगी, जब आपके ऐसे मिक्सचर प्रोडक्ट आएंगे तब ध्यान में रखना कि ऐसे कंपाउंड के हमको टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऐसे कंपाउंड के मतलब मिक्सचर कंपाउंड के हमको टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 3 प्रोडक्ट्स तो कैसे मिलते हैं वो देखो। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ये CH3 है, ये जो CH3 है CH3Br, इसकी पहले खुद के साथ रिएक्शन होगी। CH3Br पहले खुद के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक हमने जो आगे देखा CH3Br प्लस ट्वाइस Na प्लस CH3Br, इसकी खुद के साथ रिएक्शन होगी। फिर देन इसके पास जाते, इसकी भी खुद के साथ रिएक्शन होगी। पहले C2H5 पहले खुद के साथ रिएक्ट करेगा, CH3Br भी खुद के साथ रिएक्ट करेगा, C2H5Br भी खुद के साथ रिएक्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। CH3 और C2H5 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कैसी रिएक्शन होगी उनकी वो देखते हैं। सबसे पहले CH3 के बारे में देखते हैं कि CH3Br जब रिएक्ट होगा तब क्या मिलेगा। CH3Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br प्लस, अगेन हमको CH3Br खुद के साथ रिएक्ट हो रहा है वो देखना है, तो कैसे होगा वही स्टेप। ट्वाइस NaBr मॉलिक्यूल आपका बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ट्वाइस NaBr रिमूव हो गया। ओके, ट्वाइस NaBr आपका बाय प्रोडक्ट में निकल गया, तो फिर रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख दो। ये CH3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस CH3 को अटैच हो जाएगा लाइक दिस, CH3। ये मिल गया आपको पहला प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिला, पहला प्रोडक्ट वो आ गया आपका इथीन, प्रोडक्ट का नाम इथेन। पहला प्रोडक्ट मिल गया आपको इथेन, दो कार्बन से इसलिए इथेन। देन नेक्स्ट हमने देखा कि आपको CH3Br की तो रिएक्शन कर ली हमने खुद के साथ, उसके खुद के साथ। ओके, CH3Br उसके खुद के साथ उसने रिएक्शन कर ली और आपको प्रोडक्ट मिल गया इथेन। देन C2H5Br भी वही कर रहा है, वो भी खुद के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, सिमिलर वे है उसका भी, C2H5Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br C2H5। यहाँ पे ड्राई इथर मेंशन करना है आपको। ओके, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही वे में जाओ, ट्वाइस NaBr आपका निकल जाएगा। C2H5 और C2H5 ये जो दोनों थे ये एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, C2H5 और C2H5 एक दूसरे को कनेक्ट हो गए और बाय प्रोडक्ट निकल गया था आपका ट्वाइस NaBr। ओके, यहाँ पे भी आपका ट्वाइस NaBr था, तो ये मिला हमको सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट आ गया आपका C2H5 मतलब 4 कार्बन्स मिले हैं टोटल, तो क्या नाम दोगे उसका, ब्यूटेन। देन थर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा और इस रिएक्शन के, अभी थर्ड में क्या करना है, इसने खुद के साथ रिएक्शन कर ली, इसने भी उसके खुद के साथ रिएक्शन कर ली, अभी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब थर्ड यहाँ से आएगा हमारा। थर्ड में क्या आएगा फिर, दोनों ये आपका Br और ये ट्वाइस Na और ये Br आपका रिमूव हो जाएगा। फिर रिएक्शन कैसे आएगी, ये CH3 और C2H5 अटैच हो जाएंगे, ट्वाइस NaBr आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया। देन नेक्स्ट CH3 अटैच हो जाएगा आपका C2H5 से, तो 3 कार्बन्स मिल गए। 3 कार्बन्स का नाम क्या आता है, प्रोपेन। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिल गए इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, इस रिएक्शन की हेल्प से 3 प्रोडक्ट्स हमको मिले, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और यहाँ पे ये तीसरा प्रोडक्ट मिला प्रोपेन का। ध्यान में रखना, अगर आपने सिर्फ यही रिएक्शन कर दी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको ये 2 रिएक्शंस भी करनी पड़ेंगी, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप डायरेक्टली लिख सकते हो कन्फ्यूजन के बिना। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब आपको मिक्सचर
कंपाउंड्स दिए होते हैं, एक CH3 दिया है, एक C2H5 दिया है। तो ऐसे मिक्सचर कंपाउंड्स अगर आते हैं तो आपको टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे वर्ड्स रिएक्शन में, टोटल आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे वर्ड्स रिएक्शन में। और वर्ड्स रिएक्शन में कौन रिएक्ट हो रहा है, आपका सोडियम मेटल रिएक्ट हो रहा है। हमने जो लेक्चर देखा था पहला प्रीवियस लेक्चर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम मेटल था, वर्ड्स रिएक्शन में आपका सोडियम मेटल है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हम, वर्ड्स रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिटिंग्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल आपके वर्ड्स रिएक्शन जैसी है, फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल आपके वर्ड्स रिएक्शन जैसी है। कैसे, वो देखो, आपने जो वर्ड्स रिएक्शन में देखा वो अल्किल हैलाइड्स थे, RX, ओके, RX के साथ हम सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहे थे। फिटिंग रिएक्शन में क्या है, फिटिंग रिएक्शन में आपको अरील हैलाइड के साथ सोडियम मेटल की रिएक्शन करनी है। हमने वर्ड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन की, अभी आपको फिटिंग रिएक्शन में अरील हैलाइड के साथ रिएक्शन करनी है। किसके साथ करनी है, अरील, अरील हैलाइड के साथ उसकी रिएक्शन होगी। सिंपल सी है, वैसी ही प्रोसेस है, सोडियम मेटल ही लेना है, उसके ट्वाइस मॉलिक्यूल ही लेने हैं। लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, आपका अरील हैलाइड आएगा। या वर्ड्स रिएक्शन में हमने अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ पे आपको अरील हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। ओके, इसको हमने अरील हैलाइड ले लिया, ओके, बेंजीन रिंग, ओके, अरोमेटिक रिंग, अरील मतलब अरोमेटिक रिंग, तो अरोमेटिक रिंग हमने ले ली और यहाँ पे सीएल ले लिया, हैलाइड ग्रुप, तो इसका नाम क्या आ गया, अरील हैलाइड। इसको और क्या बोलते हैं, क्लोरो बेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे हम, सिमिलर वे है आगे का, ट्वाइस एने सोडियम मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, सोडियम मेटल। देन अगेन यही मॉलिक्यूल आपको रिपीट यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखोगे, पहले सीएल, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बाय प्रोडक्ट निकालते वक्त। तो ये आ गया फिर से हमारा अरील हैलाइड, देन इट गिव्स, यहाँ पे भी आपका ड्राई इथर प्रेजेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे ड्राई इथर प्रेजेंस होगा। तो बाय प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, उसी वे से जाओ यार, ट्वाइस एन ए और सीएल निकाल दो, ट्वाइस एन ए सीएल रिमूव हो जाएगा, आपको ट्वाइस एन ए सीएल क्या हो गया, रिमूव हो गया, ट्वाइस एन ए सीएल आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया। देन रिमेनिंग बचा क्या है, रिंग्स बची आपकी अरील रिंग्स, उसको जोड़ दो, सिमिलरली जैसे वर्ड्स रिएक्शन में अल्किल ग्रुप जोड़ रहे थे, यहाँ पे आपको अरील ग्रुप जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, यह आ गई आपकी पहली रिंग और यह आ गई आपकी दूसरी रिंग, तो ये दो दो रिंग्स आपको मिल गई, इसका नाम क्या आएगा, बाय फिनील, इसका नाम क्या आ गया, बाय फिनिल, क्योंकि दो दो फिनिल रिंग्स मिली आपको, तो उसका नाम है बाय फिनिल। तो ये था हमारा फिटिंग्स रिएक्शन में, बिल्कुल वर्ड्स रिएक्शन जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन वर्ड्स रिएक्शन में हम अल्किल हैलाइड ले रहे थे, फिटिंग रिएक्शन में हमको अरील हैलाइड लेना है। तो यहाँ पे हमने अरील हैलाइड 2 मॉलिक्यूल्स लिए अरील हैलाइड के, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, इन प्रेजेंस ड्राई ईथर लिया और आपको प्रोडक्ट मिला बाय फिनिल। इसको आप थ्योरी पैटर्न में कैसे लिखोगे, When two molecules of aryl halide is reacted with sodium metal, in presence of dry ether, gives the formula of biphenyl. थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी है, नाम लिख दो तो नाम से आप थ्योरी यू निकाल लोगे।
When two molecules of aryl halide is reacted with sodium metal in presence of dry ether, it gives the formula of biphenyl. तो ये था हमारा aryl halide में, फिटिंग्स रिएक्शन में हमने aryl halide लिया. इसके बाद की जो रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करेगी. इसके बाद की जो रिएक्शन है वो है आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है आपका, फिटिंग भी है और वर्ड्स भी है, दोनों है, वर्ड्स भी है और फिटिंग भी है. मतलब क्या होगा, वर्ड्स में क्या ले रहे थे हम अल्किल हैलाइड और फिटिंग में क्या ले रहे थे अरिल हैलाइड, दोनों के दोनों आएंगे उस रिएक्शन में. वर्ड्स का भी अल्किल हैलाइड आएगा और फिटिंग का अरिल हैलाइड भी आएगा. तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर फॉर्म करना है हमको, वर्ड्स रिएक्शन का और फिटिंग रिएक्शन का मिक्सचर फॉर्म क्रिएट करना है. तो फिर वर्ड्स में क्या ले रहे थे हम, फिटिंग्स में अरिल ग्रुप, अरिल हैलाइड, तो ये लिया हमने अरिल हैलाइड आपका, यह आ गया अरिल हैलाइड. अरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन हुई हमारी ट्वाइस सोडियम मॉलिक्यूल की. फिर वर्ड्स रिएक्शन पे जाओ, वर्ड्स रिएक्शन में क्या लिया था हमने, अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे ले लिया हमने अल्किल हैलाइड. ओके, तो यह आ गया आपका मिथिल क्लोराइड. ओके, देन इन प्रेजेंस ड्राई इथर, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सा है. पहले बाय प्रोडक्ट निकाल लो. अभी बाय प्रोडक्ट तो आपको समझ ही गया होगा क्या आएगा क्या निकलेगा. ट्वाइस NaCl इज रिमूव, ट्वाइस NaCl आपका निकल जाएगा. ये निकल गया आपका ट्वाइस NaCl, बाय प्रोडक्ट निकल गया. फिर रिमेनिंग जो बचा है आपके अरिल ग्रुप और अल्किल ग्रुप, उसको जोड़ दो. अरिल ग्रुप और अल्किल ग्रुप को जोड़ दो, ये आ गई आपकी अरिल रिंग. अरिल रिंग को हम जोड़ देंगे CH3, अरिल रिंग को जोड़ देंगे हम CH3. अरिल ग्रुप लिया, अरिल ग्रुप को जोड़ेंगे हम CH3. देन उसका नाम क्या आएगा, जब अरिल ग्रुप को CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट रहता है तो उसको एक स्पेसिफिक नेम है जो आपको पेपर में एग्जाम में हर बार दिखेगा, उसका नाम होता है टोल्यून. उसका नाम है टोल्यून. इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, टोल्यून. बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच है तो उसका नाम आएगा टोल्यून, उसको टोल्यून बोलते हैं. उसको ध्यान में रखना, ये नाम बिल्कुल भी मत भूलना, टोल्यून. क्या प्रोडक्ट मिला आपको, टोल्यून. व्हेन अरिल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, व्हेन अरिल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड, यहाँ पे ये हमने अरिल हैलाइड लिया तो यहाँ पे आप अल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो. अगर आप इसका नाम बोलोगे तो इसका भी ये नाम बोल देना. यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन बोलोगे तो यहाँ पे मिथिल क्लोराइड बोल देना. व्हेन अरिल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ, व्हेन अरिल हैलाइड और अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मिथिल मेट सोडियम मेटल, व्हेन अरिल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ टोल्यून. इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ टोल्यून. टोल्यून का फॉर्मूला बार बार बता रही हूँ, ठीक से देख लो, एग्जाम में कन्फ्यूज मत होना. उसका नाम इजिली आप दे सकते हो अगर आपने यहाँ पे ही अंडरस्टैंड कर लिया. अरिल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ टोल्यून. इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ टोल्यून. आपको टोल्यून का फॉर्मूला वहाँ पे मिल रहा है. तो ये है हमारी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. ओके, दोनों के दोनों हमने मिक्स फॉर्म में लिख लिए. वर्ड्स में क्या देखा था हमने, अल्किल हैलाइड कंपाउंड हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, दो अल्किल हैलाइड ग्रुप सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे. फिटिंग में देखा हमने दो अरिल हैलाइड ग्रुप दो सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे. ओके, देन सोडियम के तो आपके दो ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तीनों रिएक्शन में सोडियम के आपके दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे. फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ पे कि वर्ड्स रिएक्शन में आपके अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिटिंग रिएक्शन में आपके अरिल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, और वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में वर्ड्स भी आएगा और फिटिंग भी आएगा, मतलब अल्किल हैलाइड भी आएगा और अरिल हैलाइड भी आएगा. तो ये थी आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. ओके,
सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरिन्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअरिन्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअरिन्स। हैलोअरिन्स के बारे में हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस रिएक्शन देखनी है अभी हमें, रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देखना है अभी हमको। रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है क्लोरोबेंजीन का, तो चलिए देखते हैं। रेजोनेंस का कंसेप्ट हमने पहले भी देखा है, अभी रिपीट करते हैं कि क्लोरोबेंजीन के बारे में, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट कैसे आएगा। ये जो हम दे रहे हैं ये लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास, तो ये हमने वो लिख लिए। यहाँ पे बॉन्डिंग मेंशन करनी है लाइक दिस, ओके। तो अभी क्या होगा इस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस कैसे क्रिएट होगा उसका वो देखते हैं। ये जो लोन पेयर्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ओके। ये लोन पेयर्ड हमारे अभी जल्दी समझ में आएगा, ये लोन पेयर्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। देन जो बॉन्ड है हमारा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज देगा, ये बॉन्ड निगेटिव चार्ज देगा लाइक दिस। ये यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज लेके, और यहाँ पे वो बॉन्ड चला गया, तो यहाँ पे उसने फॉर्म कर दिया डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे आ गया क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड, ये इतना स्ट्रक्चर तो बन गया। देन आगे क्या है, जो रिमेनिंग हमारे दो बॉन्ड बचे हैं उसको जिस पोजीशन पे वो है वहाँ पे मेंशन कर दो। देन नेक्स्ट नेक्स्ट रेजोनेंस में हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले बेंजीन की रिंग निकाल लो, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सी बेंजीन की रिंग निकाल ली हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है आपका वो अभी कांस्टेंट रहेगा क्लोरीन के पास, ओके। इतना तो हो गया, अभी क्या होगा आगे वो देखना है। ये जो आपका निगेटिव बॉन्ड है ये यहाँ पे बॉन्ड देगा, ये जो आपका निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा, तो कैसे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आया मतलब यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ गया, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया मतलब यहाँ पे आपका बॉन्ड आ गया, ओके। देन रिमेनिंग जो बचा है आपका ये बॉन्ड उसको लिख दो लाइक दिस। ये तो हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे, ये आपका निगेटिव चार्ज था तो उसने बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देन आगे का रेजोनेंस कैसे आएगा वो देखते हैं। बेंजीन रिंग सिमिलरली निकाल लो पहले, ओके। देन आगे क्या होगा वो देखते, डबल बॉन्डिंग जैसी थी वैसी की वैसी लिख दो, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, अभी आपका ये निगेटिव बॉन्ड जो है, निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे जाएगा, ओके। निगेटिव चार्ज मूव होगा और ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पे मूव करेगा, ओके। तो ये जो बॉन्ड था हमारा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा और बॉन्ड जो था वो यहाँ पे मूव करेगा पोजीशन पे, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे मूव करेगा, ओके। अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, ये जो हम चार्जेस दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे वो निगेटिव चार्ज दे रहा है, ओके। देन ये जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख दो, ये बॉन्ड रिमेनिंग बचा है आपका उसको लिख दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। देन आगे का रेजोनेंस कैसे आएगा वो देखते हैं। आगे के रेजोनेंस में क्या होगा, ये निकाल ली हमने बेंजीन रिंग,
यह आ गया आपका क्लोरीन ग्रुप। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्लोरीन ग्रुप लिख दिया, फिर जो आपका निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो आपका निगेटिव चार्ज था ये यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा वो वहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाके उसने बॉन्ड क्रिएट कर दिया लाइक दिस। और रिमेनिंग जो बॉन्ड थे आपके उसको लिख दो, ये बॉन्ड था यहाँ पे, ये बॉन्ड था आपका यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन लोन पेयर फॉर्म हो गया। ये था हमारा क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस, जिस प्रोडक्ट्स जिस स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था लास्ट में हमको वही स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिस स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था लास्ट में आपको वही स्ट्रक्चर मिल रहा है, लास्ट में वही आ रहा है, देखो ना सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गया हमको। ये था आपका रेजोनेंस रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन का ये रेजोनेंस रिएक्शन था। फिर से रेजोनेंस देखते हमने क्या किया, ये जो आपका लोन पेयर था वो नीचे मूव हुआ, बॉन्ड फॉर्म किया उसने, देन ये जो बॉन्ड था उसने इस पे अटैक किया ऑर्थो पोजीशन पे, देन नेक्स्ट देखते ऑर्थो पोजीशन से उसने बॉन्ड फॉर्म किया, फिर यहाँ का जो बॉन्ड था उसने अटैक किया पैरा पोजीशन पे, देन नेक्स्ट जो था उसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो बॉन्ड था इसने ऑर्थो पोजीशन पे अगेन अटैक किया, तो ऑर्थो पोजीशन पे आया वो, देन नेक्स्ट क्या हुआ उसने वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दिया और ऊपर क्लोरीन के पास उसके लोन पेयर फॉर्म हो गए। तो ये था रेजोनेंस इफेक्ट। ये स्ट्रक्चर से हमने क्या देखा वो देखते, ये था आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन ये था आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, ये था थर्ड, ये था फोर्थ एंड ये था आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। ओके, फाइव स्ट्रक्चर्स हमने देखे उसके रेजोनेंस के फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर से उसमें क्या मिल रहा है आपको, जो आपके सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर से उसमें आपको क्या मिला, डबल बॉन्ड्स मिले। कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या है, यहाँ पे कार्बन है भाई, कार्बन है वहाँ पे प्रेजेंट, ये कार्बन से आपके, तो यहाँ पे कार्बन है आपका, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच, कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या है आपका, कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी आपके डबल बॉन्ड्स फॉर्म है कार्बन क्लोरीन के बीच, लेकिन वो दिख नहीं रहे लोन पेयर की वजह से, लेकिन यहाँ पे भी आपके डबल बॉन्ड फॉर्म है, डबल बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच में, लेकिन यहाँ के दिख रहे हैं हमको सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का जो रेजोनेंस है आपका, तो वहाँ पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन क्लोरीन के बीच, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन क्लोरीन के बीच। देन जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्लोरोबेंजीन की जो, मतलब क्लोरोबेंजीन ये बहुत स्ट्रॉन्गर होता है क्लोरोअल्केन से। अगर हम क्लोरोअल्केन के कंपैरिजन में उसको देखें तो क्लोरोबेंजीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर होता है क्लोरोअल्केन से। क्लोरोअल्केन की कंपेयरिंग में ये स्ट्रॉन्गर होता है और उससे शॉर्टर होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उससे शॉर्टर होती है। लाइक बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एज़ पर योर नॉलेज वो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बॉन्ड लेंथ देखें तो वो शॉर्टर होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 169 PM, मतलब पिकोमीटर, इतनी उसकी बॉन्ड लेंथ आती है। अगर हम क्लोरोअल्केन के बारे में देखें, लाइक क्लोरोअल्केन के बारे में, तो क्लोरोअल्केन की बॉन्ड लेंथ आपको मिलेगी 178, तो ये आपको उसकी बॉन्ड लेंथ मिलेगी। ओके, 169 पिकोमीटर और 178 पिकोमीटर, तो ये जो है 169 पिकोमीटर ये शॉर्टर वेवलेंथ है क्लोरोअल्केन से ज़्यादा, क्योंकि क्लोरोअल्केन की कितनी है 178, इससे ये शॉर्टर है आपकी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर कंपाउंड है आपका क्लोरोबेंजीन, लेकिन उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है क्लोरोअल्केन से ज़्यादा। ओके, क्लोरोअल्केन के कंपेयरिंग में वो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है उसकी। देन अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक कर रहे, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे अटैक किया। तो ये जो अगर हमें तीन स्ट्रक्चर्स देखे, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि
कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल है मतलब निगेटिव चार्जेस है वो कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो वो अटैक कर रहे हैं आपके ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे एंड ऑर्थो पोजिशन पे, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन पे वो अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेटा पोजिशन पे अटैक नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करते हैं। देन नेक्स्ट हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट कुछ रिएक्शंस देखनी है इसमें, तो चलिए रिएक्शंस देखते क्या रिएक्शंस आएगी। फर्स्ट रिएक्शन देखते हम क्लोरोबेंजीन के साथ, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आ गया NO2, देन यहाँ पे इन प्रेजेंस होगा आपका NaOH एंड 433 केल्विन। 433 केल्विन का मतलब क्या है, टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर उतनी एनर्जी उसको नीडेड है किसके लिए, ये जो कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत एनर्जी लगती है। तो इसके लिए जो हमने NO2 ग्रुप लिया है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो NO2 है आपका ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड सेपरेट करता है, उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी कितना टेम्परेचर उसको नीडेड है, तो 433 उसको उतना टेम्परेचर नीडेड है इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और वो ब्रेक क्यों कर रहा है, वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है अदर न्यूक्लियोफाइल, तो अदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो यहाँ का ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लिया है, NO2 ग्रुप लिया है, क्योंकि अगर आप NO2 ग्रुप नहीं लेते तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो इसलिए हमने NO2 ग्रुप लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है। फिर आपकी रिएक्शन क्या फॉर्म होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ये है आपका NO2 एंड देन बाय प्रोडक्ट निकलेगा आपका क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन आपका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। ओके, देन उसके नेम्स लिख लेते हैं हम कि नेम्स कैसे आएंगे उसके, तो यहाँ पे क्या है, पैरा पोजीशन पे ये है आपके ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप अटैच है, तो कैसे लिखोगे, पैरा नाइट्रो क्लोरो, क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ओके, इसका नाम क्या आ गया, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। देन यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, पैरा नाइट्रो, और ये क्या आ गया, बेंजीन ग्रीन को आपका OH ग्रुप अटैच है मतलब इसको बोलते हैं हम फिनॉल, तो ये क्या आ गया, पैरा नाइट्रो फिनॉल। ओके, क्लोरीन जो था आपका, क्लोरीन निगेटिव चार्ज आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया, तो ऐसे रिएक्शन हमारी फॉर्म हुई है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की जो पहली रिएक्शन देखी हमने तो वो इस प्रकार से फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर लगा, तो 433 टेम्परेचर हमको नीडेड है इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो। देन नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन ध्यान में रखना, नेक्स्ट रिएक्शन में उसके चेंजेस देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, अभी ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका एक NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे तो था ही आपका पहले, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। देन यहाँ पे क्या होगा, Na2CO3 इन प्रेजेंस है, टेम्परेचर कितना नीडेड है यहाँ पे, 403 केल्विन इतना यहाँ पे नीडेड है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, अभी यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम क्यों हो गया, कम रिक्वायर्ड क्यों है इसको ब्रेक करने के लिए, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कम क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे और एक NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया है।
दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए स्ट्रक्चर में, दो दो, इसलिए उसको टेम्परेचर कम लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि आपके पास अभी दो दो है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसलिए आपका जो यहाँ पे टेम्परेचर था वो कम हो गया, उसको कम एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब आपका NO2। देन प्रोडक्ट आपको सिमिलर मिलेंगे, Cl बाय प्रोडक्ट आपको सिमिलर मिलेगा, Cl माइनस आपका बाय प्रोडक्ट होगा। देन OH ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो Cl की जगह ले रहा है, क्लोरीन की जगह ले रहा है, और यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होगा, जो आपका ऑर्थो पोजिशन पे NO2 है उसको लिख दो, जो आपका पैरा पोजिशन पे है उसको लिख दो। तो ये दोनों के दोनों हमने लिख दिए, अभी इसके नेम्स पे जाओ, पहले नंबरिंग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने नंबरिंग दे दी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबरिंग दे दी। फिर यहाँ पे उसका नाम लिखना है, नाम क्या आएगा, तो 2,4, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, नाम समझ गया, सेकेंड पोजीशन पे आपका नाइट्रो है तो यहाँ पे सेकेंड लिया, फोर्थ पोजीशन पे आपका नाइट्रो है तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन ली, दो दो है इसलिए डाई मेंशन किया, तो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरीन ग्रुप है इसलिए क्लोरो, और बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन, तो ये उसका नाम आ गया। देन यहाँ पे चलते हैं इसका नाम कैसे आएगा, 2 यहाँ पे भी सेकेंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, दो है मतलब डाई नाइट्रो। देन नेक्स्ट चलते बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच है, मतलब क्या आएगा इसका नाम, फिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, इसका नाम क्या आ गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन, जहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट थे रिएक्शन में, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हमको टेम्परेचर कम लग रहा था, एनर्जी कम लग रही थी कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या चेंजेस होंगे वो देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, अभी आपके सिक्स्थ पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिक्स्थ पोजीशन पे भी प्रेजेंट होगा। पहले हमने क्या देखा, सिर्फ पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट था तो एनर्जी हमको ज़्यादा लग रही थी, टेम्परेचर हमको ज़्यादा लग रहा था उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एक ही विड्रॉइंग ग्रुप था। देन नेक्स्ट हमने देखा कि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट थे तो उसको कम एनर्जी लग रही थी, कम टेम्परेचर लग रहा था। अभी इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, तीन तीन प्रेजेंट है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिर्फ वार्म वाटर से काम चल जाएगा, सिर्फ वार्म वाटर लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एनर्जी और टेम्परेचर बहुत बहुत कम लगेगा, सिर्फ गर्म पानी से काम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, आपका क्लोरीन बाय प्रोडक्ट निकल गया। देन नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एंड सिक्स्थ पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके। देन यहाँ पे तो नाम है ही, तो नाम कैसे देंगे स्ट्रक्चर को वो देखते हैं, 2, 4, 6 2, 4, 6 तीन है मतलब ट्राई नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो क्लोरीन ग्रुप भी है इसलिए क्लोरो और बेंजीन, नाम क्या आ गया फिर पूरा उसका, 1, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। देन नेक्स्ट चलते इस स्ट्रक्चर पे, जो प्रोडक्ट मिला है हमको उस पे चलते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो ट्राई नाइट्रो और बेंजीन रिंग को आपका OH ग्रुप अटैच है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका फिनॉल, ये आपका प्रोडक्ट मिल गया है यहाँ पे, ओके 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इस कंपाउंड से ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। इससे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब आपका स्ट्रक्चर हमने देखे तब क्या हुआ, एक आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था स्ट्रक्चर में तो आपको एनर्जी और टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा था उसको ब्रेक करने के लिए। देन नेक्स्ट हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट हुए, आपका NO2 ग्रुप आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट हुआ
दो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हुए तो आपको थोड़ी एनर्जी कम लगेगी, और तीन तीन प्रेजेंट होंगे ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन पे, तो आपको सिर्फ गर्म पानी से आपका काम हो रहा है, सिर्फ वार्म वाटर से वो ब्रेक हो रहे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है, कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिर्फ वार्म वाटर से ब्रेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमें कुछ रिएक्शंस देखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरिल हैलाइड्स की। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल हैलाइड्स, उसमें आपके कुछ रिएक्शंस आने वाले, तो वो रिएक्शन हम स्टार्ट करते क्या होंगे। लाइक पहले होगा आपका हैलोजिनेशन, ओके, देन नेक्स्ट होगा आपका नाइट्रेशन। पहले एक एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले हैलोजिनेशन, फिर हैलोजिनेशन में क्या करते हैं हम, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, ओके, हैलोजिनेशन नाम है इसका जो आगे हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका। तो ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, फिर क्या रिएक्शन होगी वो देखना है, अभी रिएक्शन करते हैं। इसके साथ रिएक्ट होगा, इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट होगा आपका Cl2 मॉलिक्यूल, इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट होगा आपका Cl2 मॉलिक्यूल, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका FeCl3। ओके, हैलोजिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट हो रहा है आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखना है। अभी हमने देखा था कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कौन कौन से पोजिशन पर अटैक करता है, क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस में हमने देखा है वो रेजोनेंस पढ़ते वक्त कि कहाँ कहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज अटैक कर रहा था, तो वो आपके दो पोजीशंस पे अटैक कर रहा था, एक ऑर्थो पोजीशन एंड एक पैरा पोजीशन। ओके, दो पोजीशन पे वो अटैक कर रहा था, एक ऑर्थो पोजीशन एक पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे वो अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे सिमिलर केस होगी, सिमिलर वैसी रिएक्शन होगी आपकी। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक आपका ऑर्थो कंपाउंड मिलेगा, एक आपका पैरा कंपाउंड मिलेगा। मतलब एक जो कंपाउंड होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और एक जो कंपाउंड होगा आपका वो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। चलो तो देखते हैं, प्लस और एक ये बेंजिंग रिंग, ओके, तो ये दो बेंजिंग रिंग ले ली हमने। अभी यहां पे क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। सीएल सीएल मॉलिक्यूल लिख लो, ओके, देन अभी यहां पे क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका एक सीएल सीएल ग्रुप अटैच होगा। तो ये आ गई आपकी ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया हमने एक सीएल और पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया हमने एक सीएल। ओके, आपके दो प्रोडक्ट्स बन गए। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिल गए, एक ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट एक पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट। देन ये हुई हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है आपका नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन लोगे आप, पहले क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन होगी आपकी, नाइट्रेशन रिएक्शन देख रहे, क्लोरोबेंजीन के साथ जो रिएक्ट होगा वो होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रही इन प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे प्रेजेंस होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, देन प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, ये हो गई दो बेंजिंग रिंग्स, सीएल सीएल लिख लो पहले, देन ऑर्थो पोजीशन पे
अटैच होगा आपका एक कंपाउंड और एक अटैच होगा आपका पैरा पोजिशन पे। तो क्या होगा वो देखना है अभी हमको। HNO3 से रिएक्शन हो रही, तो HNO3 रिएक्शन में आपका NO2 ग्रुप अटैच होता है NO2 ग्रुप, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा आपका NO2 ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड रिएक्शन। ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट हो रहा था HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको दो प्रोडक्ट मिले, एक पैर ऑर्थो पोजिशन का प्रोडक्ट, एक पैरा पोजिशन का प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट देखते थर्ड रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वो रिएक्ट होता है, हीट देते हैं उसको। फिर अभी प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो देखते हैं। प्रोडक्ट नीचे लिख लेते हैं हम, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ऊपर के। ये लिख लिया हमने दोन बेंजीन रिंग। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका H2SO4 इन प्रेजेंस था HNO3 के साथ, यहाँ पे आपका H2SO4 सिंगल है, यहाँ पे आपका H2SO4 सिंगल है, और जहाँ पे आपका H2SO4 सिंगल होता है वहाँ पे जो अटैचमेंट होती है, यहाँ पे क्लोरीन लिख लो, और जहाँ पे H2SO4 होता है वहाँ पे जो अटैचमेंट होती है कंपाउंड्स की ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, तो वो कैसी होती है, SO3H, और यहाँ पे होगी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे SO3H, कनेक्ट हुए कंपाउंड SO3H और SO3H सल्फोनेशन रिएक्शन में। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन हमने की, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिले। ओके, ये हमें हैलोजिनेशन मिले, हैलोजिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले, ये हमें नाइट्रेशन में प्रोडक्ट मिले, देन ये हमें सल्फोनेशन में प्रोडक्ट मिले। ओके, तो ये हो गई हमारी तीन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हम फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है वो देखते हैं, कैसा मिलेगा अभी रिएक्शन कैसी आएगी। फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ आपको रिएक्शन करनी है, प्लस यहाँ पे प्लस साइन मेंशन करना, रिएक्ट कर रहे हो आप, प्लस CH3Cl। ओके, इन प्रेजेंस होगा यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी आएगी, प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिख दो जैसा है वैसा। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, अभी CH3Cl में एक ऑर्थो पोजिशन पे आपका CH3 ग्रुप अटैच होगा, एक पैरा पोजिशन पे आपका CH3 ग्रुप अटैच होगा। तो ये प्रोडक्ट मिला हमको फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में। देन इसके बाद की जो रिएक्शन है, ये रिजल्ट मिला हमको फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में। देन इसके बाद की जो रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन के साथ आपकी रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन के साथ, यहाँ से लेंगे हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ओके, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, अल्काइलेशन देख रहे हैं ना अभी हम, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन आपका जो इन प्रेजेंस होगा वो सिमिलर आएगा, अनहाइड्रस AlCl3। ओके, इन प्रेजेंस अनहाइड्रस AlCl3। देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखना है अभी यहाँ पे।
ये दो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये आ गया सीएल, ये आ गया आपका सीएल। देन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या मिलेगा फिर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच थ्री। ओके, तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अरिल हैलाइड्स। तो ये रिएक्शंस हमने देखे, फाइव मेन रिएक्शंस है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, कंफर्म आता है। तो हैलोजनेशन में देखा हमने, हैलोजनेशन के साथ, हैलोजनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई है आपके सीएल टू मॉलिक्यूल की, इन प्रेजेंस था आपका FeCl3। देन आपको दो प्रोडक्ट्स मिले ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे। देन नाइट्रेशन रिएक्शन देखी, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई आपकी HNO3 की, इन प्रेजेंस था आपका H2SO4, फिर आपको दो प्रोडक्ट मिले ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। देन नेक्स्ट हमने देखा सल्फोनेशन, उसमें क्या था, सल्फोनेशन में क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई आपकी, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई है यहाँ से H2SO4। ओके, H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन हुई है, फिर यहाँ से हीट दी उसको, दो प्रोडक्ट्स मिले आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। देन नेक्स्ट हमने देखा फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई है आपकी CH3Cl की, देन इन प्रेजेंस था आपका अनहाइड्रस AlCl3, देन अगेन दो प्रोडक्ट्स मिले ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। देन लास्ट था फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई आपकी CH3C डबल बॉन्ड Cl की, इन प्रेजेंस था आपका अनहाइड्रस AlCl3, देन दो प्रोडक्ट्स मिले ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ओके, देन हमको लास्ट पार्ट देखना है अभी लेसन का, हैलोजन डेरिवेटिव्स का लास्ट पार्ट देखना है, वो है आपका यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। वो पार्ट देखते हैं हम क्या है आपके टेक्स्ट बुक में। यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट में जो आपको पहला मेंशन किया है वो है आपका डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन उसी को बोलते हैं हम मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। उसमें क्या है, वो किसके लिए यूज़ होता है, एज अ प्रोपेलेंट इन एरेजोल्स में वो यूज़ होता है, मतलब जो हम कंटेनर होता है गैस का उसको जो कॉम्प्रेस करते हैं, प्रोपेलेंट जो कंटेनर होता है उसको जो हम कॉम्प्रेस करते हैं उसके लिए भी उसका यूज़ होता है, और उसका यूज़ पेंट रिमोल के भी, जो हम पेंट वगैरह करते हैं तो उसके, उसे रिमूव करने के लिए भी उसका एक अच्छा खासा यूज़ होता है। अगर उसके कॉजेज देखें तो वो बहुत डिजीनेस का कॉजेज दिखाता है, चक्कर वगैरह आते हैं, देन फैटिग्यू मतलब थकान सी होने लगती है, हेडेक होता है, नमनेस हो जाता है, वीकनेस आता है, ये सब उसके कॉजेस हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में बोला है, क्लोरोफॉर्म के बारे में नेक्स्ट आपको दिया है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ये बहुत डेंजरस केमिकल होता है, इसके जो अगर हमने क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया तो क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो डिप्रेस हो जाती है। लोकल एनेस्थीसिया जो जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तब भूल वगैरह देते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का भी बहुत यूज़ होता है वहाँ पे। तो क्लोरोफॉर्म इन्वायरमेंटली अगर हम देखें तो उसके बहुत कॉजेज़ भी होंगे, वो रिस्की भी है हमारे लिए, देन उसके हॉस्पिटल्स में भी यूजेस है बहुत, और उसका जो है वो हमारे लीवर को भी बहुत अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट दिया है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम यूज़ देखें तो वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी बहुत उसका इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, जहाँ आग वगैरह लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है उसको क्लीनिंग एजेंट के लिए भी जाना जाता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए भी उसका अच्छा खासा यूज़ होता है, वो भी लीवर के लिए टॉक्सिक होता है। देन नेक्स्ट दिया है आपको आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का यूज़ जो आपको दिए है वो क्या है वो देखो, इट इज़ यूज एज अ मेडिसिन एज अ हीलिंग, मतलब एक मेडिसिन के लिए भी उसका यूज़ होता है, हीलिंग मतलब जो रेमेडी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह, तो उसके लिए भी उसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट एंटीसेप्टिक है वो, एंटीसेप्टिकली मतलब मेडिसिन में ही आता है वो, एंटीसेप्टिकली भी उसका एक अच्छा खासा यूज़ होता है। देन नेक्स्ट वो स्किन और आइज के लिए इरिटेशंस होते उसके। देन नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रियॉन्स के बारे में कि उसका क्या यूज़ है फ्रियॉन्स का। ये जो है फ्रियॉन्स, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका रेफ्रिजरेंट से भी यूज़ होता है, मतलब जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं, एयर कंडीशनिंग वगैरह, उसके लिए भी उसका यूज़ होता है। देन लास्ट है आपका डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, उसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। इट इज़ यूज कंट्रोलिंग टू मलेरिया एंड टाइफाइड, मलेरिया एंड टाइफाइड को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिंस में, ड्रग्स में इसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट अगर हमने इसके हाई डोसेस ले लिए तो ओमेटिंग्स वगैरह जैसे साइड इफ़ेक्ट्स कॉजेस दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 10th लेसन था हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो एंड होता है।
आई होप कि जो भी हमने इस लेसन में पढ़ा है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच.